नमस्कार दोस्तों, फाइनली एक और वीडियो के साथ जो हम वापस। और जैसा अगर आप जियो व्हाट्सएप यूज करते हैं दोस्तों, तो अभी इसमें लेटेस्ट वर्जन आ चुका है अपडेट। अगर आपने अपडेट नहीं करा है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको अपडेट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो लेटेस्ट वर्जन इस अपडेट में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप उसको अपडेट करेंगे। इस वीडियो में आपको टोटल आपके कन्फ्यूजन जो है अपडेट सब आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो में उस अपडेटेड वर्जन का लिंक नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपडेट का वर्जन लिंक देने से, किसी भी ऐसी एप्लीकेशन का लिंक देने से जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, जिसे गूगल अलाउ नहीं करता कि आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इसे ऐसी किसी भी एप्लीकेशन का लिंक देना, अपने डिस्क्रिप्शन में देना, मतलब हमारी स्ट्राइक मिल सकती है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। इस वजह से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नहीं देने वाला हूँ। तो आप अगर इसका लिंक चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पे मुझे लिंक के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका जो है मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक है मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक वगैरह जो कुछ है वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, और मुझे डायरेक्टली डीओ व्हाट्सएप का लिंक चाहिए ऐसा लिख के आप सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक आपको दे दूंगा। लेकिन आपको कमेंट पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में किसी तरह का लिंक, कोई भी लिंक नहीं मिलने वाला जियो व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन के। चलिए हम इसकी वीडियो आपको अपडेट करके दिखाने वाले हैं, और कैसे अपडेट होगा वो आपको चलिए स्क्रीन पे करके दिखाने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, चलो चलते हैं स्क्रीन पे। मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लिया, और अब सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के जो है जियो व्हाट्सएप की तरफ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये जियो व्हाट्सएप है, हमने इसको ओपन किया। जैसे ओपन किया तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि आप इसमें से बहुत सारे लोग को डाउट हो सकता है। तो हमें अगर फिर से क्लोज करते हैं कि इसमें, क्योंकि इसमें अभी अपडेट नहीं बता रहा है, तो एक बार इसको हम फिर से अपडेट करते हैं। अब बार बार मुझे नोटिफिकेशन मिल रहा था कि आप अपडेट कीजिए, बट हमने उसको अपडेट नहीं करा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आप थ्री डॉट पर जाएंगे। थ्री डॉट पर जाने के बाद यहाँ आपको सबसे ऊपर में जाना है, जीबी सेटिंग में जाना है। अगर आपको अपडेट का आता है तो ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलता है तो यहाँ से आपको तीसरे नंबर मिल जाएगा अपडेटर्स पे, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको मिल जाता है सबसे पहले नंबर पर चेक फॉर अपडेटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सिंपली आपके आपके फ़ोन के ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट कर देगा ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही काम के फीचर है। अगर आप इसमें कुछ भूल जाते हैं तो बहुत ही मतलब डाउनलोड अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं जिसमें डाउनलोड करने के लिए बोलता है। तो आपको ध्यान से देखना है कहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, और ऊपर जाना है आपको, स्क्रॉल करते रहना है। स्क्रॉल करते करते यहाँ पे आपको इस जगह पे क्लिक करना है डाउनलोडिंग पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड जियो व्हाट्सएप प्रो वी 12.00 लेटेस्ट वर्जन फॉर एंड्रॉइड। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके बाद अब वर्जन यहाँ पे मिल जाता है, वेस मिल जाता है, और साइज 45 MB का मिल जाता है। तो सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। मैं आपको डाउनलोड पर क्लिक किया, और यहाँ पर एक और एड आ गया, तो इसको आप ओपन कर नहीं करना है, इसको क्लोज कर देना है। एड अगर आपके फ़ोन में आता है तो क्लोज कर देते हैं। इसके बाद वापस मुझे ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो मुझे ओपन मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली मुझे ये वापस वहीं पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको वापस किया, और यहाँ पे आपको मिल जाता है डायरेक्ट डाउनलोड एंड देयर मिरर डाउनलोड। तो आप अगर उसका लिंक चाहते हैं तो आपको मिरर डाउनलोड पर क्लिक करना है। अगर आप उसका डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे ब्राउज़र में एक साइड में नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया है कि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सिंपली आप इसको डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। हो सकता है आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र हो, हालांकि मैं फायरफॉक्स अभी यूज कर रहा हूं, तो अभी मतलब क्रोम ब्राउज़र में नहीं है, ये ऑलरेडी डाउनलोड होना चालू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे नोटिफिकेशन में शो कर रहा है, क्योंकि मैंने फायरफॉक्स को लॉक करके रखा हुआ है, इसके नोटिफिकेशन में क्या डाउनलोड हो रहा है वो नहीं दिखाएगा। तो हम फायरफॉक्स को ही ओपन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने फायरफॉक्स को ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाइल जो है डाउनलोडिंग में लगा हुआ है। यहाँ पे इसको बैक कर लेते हैं। तो यहाँ तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरफॉक्स में एक फाइल डाउनलोडिंग हो चुकी है। अब इसको अपडेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आप एप्लीकेशन ढूंढ लेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा नॉट इंस्टॉल में, जियो व्हाट्सएप प्रो ये डाउनलोडिंग में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये पूरा डाउनलोड नहीं हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। इसको आपको पूरा अपडेट डाउनलोड होने के बाद इसको यहाँ से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं तो आपके जो फ़ोन में अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ अपडेट करने में कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बारे में अच्छी तरीके से ध्यान से एक बार फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अपडेट करने में कोई भी दिक्कत होती है, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।
या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो को समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो फिर इतना ही, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।